हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने कस्टम पोस्ट टाइप में अपना डाटा सेव कराया था, लेकिन उसमें फीचर इमेज हम लोगों ने सेव नहीं कराया था। इस वीडियो में हम लोग फीचर इमेज को भी सेव कराएंगे। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे फीचर इमेज सेव नहीं है। तो फीचर इमेज सेव करने के लिए आपको सिंपल सेट पोस्ट थंबनेल लिख के सर्च करना है। आप देख सकते हैं ये सेट पोस्ट थंबनेल नाम का फंक्शन, जैसे आप सर्च करोगे तो ये वर्डप्रेस के डेवलपर की वेबसाइट पे ले जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये प्रोग्रामेटिकली कैसे आप फीचर इमेज सेव करा सकते हो। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लूंगा सिंपल। और यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे मैं पहले चेक कर लूंगा डॉलर इफ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फाइल्स के अंदर यहाँ पे वेरिएबल नेम पहले देख लेता हूँ। इमेज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या टाइप कर लेता हूँ इसे। इमेज का नेम इमेज नेम मिल रहा है तब ये वर्क करे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया। और ये इफ का आई ऊपर है तो इसे सही कर लेता हूँ। इफ और इसको हम लोग सही कर लेते हैं पहले। फाइल नेम इसको मैं क्या करता हूँ, फाइल नेम में डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे फाइल नेम भी चाहिए। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ और ये फाइल नेम जो है इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और डॉलर फाइल नेम, ये मुझे फाइल नेम मिल गया। और यहाँ पे ये फाइल है, ये टेम्परेरी, इसमें टेम्परेरी फाइल नेम चाहिए तो इसके लिए मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। डॉलर फाइल्स का यानी कि इमेज और यहाँ पे टीएमपी नेम टेम्परेरी नेम टीएमपी नेम कर देता हूँ। अब हमें ये सेव करा लिया, सेव फाइल को सेव कर लिया। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि अब मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। सिंपल यहाँ से आपको फाइल नेम मिल जाएगा और अटैचमेंट नाम का एक एरे बना है जिसमें आप फाइल की टाइप पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी हमने पहले भी निकाल रखा है और यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट इंसर्ट हो रहा है। तो आप इस कोड को आप वर्डप्रेस डेवलपर साइट से यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मैं इस ये जो भी मैंने आप सबको बता रहा हूँ, एक मैं सब वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूँ, इस पर ये सारी कोडिंग आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं किसी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या बाद में अपने डिस्क्रिप्शन में इसको अपने साइट का URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक बार आपको, अब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम लोग जो सबमिट करा रहे हैं, सबमिट के बाद ये दोनों को हमें एम्प्टी कर देना है। तो इसके लिए मैं यहीं पे सक्सेस होने के बाद या आप कहीं पे भी आप यहाँ पे अनसेट करवाना है, अनसेट अनसेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का टाइटल और कंटेंट को भी अनसेट कर दूंगा। अनसेट कंटेंट इस तरह से मैंने अनसेट कर दिया। अब हम आपको एक
इमेज के साथ कोई बुक ऐड करके आपको दिखाता हूँ। टेस्ट बुक है तो एक बार पहले से रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बुक 4 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर, इस बार मैं नोवेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईएसबीएन में मैं 48 दे देता हूँ। यहाँ पे इमेज कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये बुक वाली जो इमेज है आप, मैं बुक वाली ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिख रहा है। डाउनलोड्स में गया और बुक डॉट जेपीजी जो फाइल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बुक का कवर इमेज है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे सेव्ड योर पोस्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ये कंटेंट भी यहाँ से सेव होने के बाद ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं बुक 4 यहाँ पे सेव हुआ या नहीं। देख सकते हैं बुक 4 यहाँ पे सेव हो चुका है। उसका आईएसबीन नंबर मैंने 48 लिख रखा था और नोवेल मैंने कैटेगरी चूज कर रखे थे। इसे फीचर इमेज देख लेते हैं कि फीचर इमेज यहाँ पे सेव हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं फीचर इमेज भी सेव हो चुका है फ्रेंड। तो इस तरह से आप फीचर इमेज भी सेव करा सकते हो। अब मान लो कि मैं टाइटल सिर्फ लिख के अगर सबमिट करता हूँ तो रिक्वायर्ड फील्ड का एरर का भी मैसेज दे देगा और यहाँ पे ये जो फील्ड हमने फिल कर रखा हो यहाँ पे भी आ रहा है। ये इसके कारण आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म में रिक्वेस्ट अंडर और इसको टाइटल ये वैल्यू ले रखा है। अगर कोई भी जैसे हम सबमिट करते हैं तो जो रिक्वेस्ट अंडर उस टाइटल यहाँ पे रिक्वेस्ट अंडर उसको कंटेंट में वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो ये रिमूव यहाँ से नहीं होगा। इसे बार बार आपको लिखने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने कस्टम पोस्ट टाइप को भी फ्रंट एंड से सेव करा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग सही कर देंगे ताकि ये आप देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है थोड़ा सही से। तो ताकि इसकी स्टाइलिंग भी आप सही कर सको। मैं यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्योंकि हमने इसको एक बार मैं प्राइवेट विंडो में भी ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लॉगिन यूजर के लिए भी बनाना चाहते हो, जैसे मैं इसे प्राइवेट विंडो में जिसमें लॉगिन नहीं हूँ तभी भी ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म अगर लॉगिन ना हो तो ये ना डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो कर लेते हैं जिसमें आप स्टाइल, इसमें मैं स्टाइल ऐड करना सिखाऊंगा। आप चाहें तो इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हो और दूसरा अगर यूजर लॉगिन हो तभी ये फॉर्म उसको दिखे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।